दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस रूप चौदह सौ दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया हो, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी तालाब बावड़ी कुआ तालाब पर पहुंचोगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है बाती लगाने के बाद, उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज, कार्तिक महत्तम सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ। अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ, कौन सा पाठ, दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन तीन वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन तीन वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए, सातों दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प सात दीप सुख देने वाली देव दीपावली। शिव महापुराण की कथा करती है, फिर एक चीज करें, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, पांच जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो पांच दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पांचवा दिन होना चाहिए, ये पांच दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि पांच दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि पांच दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो
शिवजी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का हो, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दिए, सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे। हाँ हाँ, तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दे। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप 14 और दीपावली, ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप 14 और अमावस्या दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप 14 और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता है मेरे खाते में आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथा मैं तुझे वर देता हूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर, लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने, तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ अच्छा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठा, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस। अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के 2 दिन, 1 दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास, इसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली, भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है, भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य 13-14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है, बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा,
तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वारी लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी तालाब बावड़ी कुआ तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, देव दीपावली के दिन किसी भी जलाशय के पास में, जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी या कोई नहर या कोई पवित्र नदी के किनारे पर आपको दीप दान अवश्य करना है। गुरुजी ने जैसा बताया है उसी हिसाब से आपको किसी भी जलाशय के पास में देव दीपावली के दिन दीप दान अवश्य करना है। अगर आप देव दीपावली के दिन दीपदान करेंगे तभी आपको जो आपने दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया है या जो भी आपने दीपदान किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप देव दीपावली के दिन दीपदान नहीं करेंगे तो दीपावली के दिन किए गए किसी भी उपाय का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए देव दीपावली के दिन किसी भी जलाशय के पास में दीपदान अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।